और अब वक्त हो गया एक मिनट की खबर का। हाथरस में पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मामले पर पूरा अपडेट सिर्फ एक मिनट में देखिए। हाथरस केस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी। एक याचिका में कहा गया है कि केस की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, साथ ही ट्रायल को यूपी से हटाकर दिल्ली में चलाया जाए। इससे पहले हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अलग अलग 19 FIR दर्ज की है। इनमें प्रदेश का माहौल बिगाड़ने और जातीय हिंसा फैलाने की साजिश की बात है। हाथरस पुलिस ने देशद्रोह समेत 20 अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया है। रविवार को हाथरस में हुए हंगामे को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसमें RLD नेता जयंत चौधरी, भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी और RLD के कार्यकर्ताओं पर भी केस दर्ज हुए हैं। वहीं कल वेबसाइट बनाकर पूरे यूपी में जातीय दंगा भड़काने की साजिश का खुलासा हुआ। इनमें विदेशी फंडिंग के भी सुराग मिले। यूपी में जातीय हिंसा भड़काने में एमनेस्टी इंटरनेशनल का संदिग्ध रोल सामने आया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने क्या धमकी दी है, ये एक मिनट में एक खबर जानिए। रोहतांग में अटल टनल के उद्घाटन से चीन परेशान हो गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने धमकी दी है कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो चीन की सेना भारत की हाल ही में बनाई गई अटल टनल को बर्बाद कर देगी। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि अटल सुरंग का युद्ध के समय कोई फायदा नहीं होगा। चीन की सेना के पास ऐसे साधन हैं जिससे इस सुरंग को बेकार किया जा सकेगा। भारत को संयम बरतना चाहिए और उकसावे से बचना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बचेगा जो भारत की रणनीतिक क्षमता को बढ़ाए। रोहतांग में 9.02 किलोमीटर लंबी ये टनल मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। इस टनल की वजह से मनाली और लाहौल स्पीति घाटी पूरे साल एक दूसरे से जुड़े रह सकेंगे। ये टनल सामरिक दृष्टि से भी काफी अहम है। अटल टनल के बन जाने की वजह से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है। सफर में लगने वाला समय 4 से 5 घंटे कम हो गया है। और एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता का बड़ा बयान आया। डॉक्टर सुधीर गुप्ता का कहना है कि हत्या थी या आत्महत्या, इस बारे में निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। उन्होंने इस मामले में और फॉरेंसिक जांच की जरूरत बताई है। डॉक्टर सुधीर उन 5 डॉक्टर्स की टीम में शामिल थे जिन्होंने सुशांत की फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार की थी। इसी कड़ी में CBI की टीम एम्स से विसरा और दूसरे सैंपल ले गई है, जिनकी जांच अब किसी दूसरी बड़ी फॉरेंसिक लैब से करवाई जाएगी। वहीं मुंबई पुलिस ने एक बार फिर अपनी जांच प्रोफेशनल होने की बात दोहराई है। जितने लोग हमारे इन्वेस्टिगेशन को क्रिटिसाइज कर रहे थे बिना किसी जानकारी के, बिना कुछ देखे हुए क्रिटिसाइज कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी, सील्ड एनवेलप में थी। और मैं चैलेंज करता हूं कि कितने व्यक्तियों ने चैलेंज पे जो चैनल्स पे जाके और अलग अलग जगह से हमारे इन्वेस्टिगेशन को क्रिटिसाइज कर रहे थे, कितने लोगों को मालूम है हमारा इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ, किसने क्या क्या बयान दिया, कोई मैं चैलेंज करता हूं कोई भी बता दे। सुशांत की मौत पर राजनीति भी जारी है, तो वहीं शिवसेना के मुखपत्र सामना ने सुशांत सिंह के चरित्र पर निशाना साधा और उन्हें मादक पदार्थों का सेवन करने वाला शख्स बताया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज NDA में सीटों का औपचारिक ऐलान भी किया जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज NDA में सीटों का औपचारिक ऐलान भी किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक BJP 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि JDU को 122 सीटें मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक JDU अपने कोटे से 5 सीट जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम पार्टी को देगी, जबकि BJP अपने कोटे से मुकेश सहनी की पार्टी VIP को सीट देगी। JDU के खिलाफ चुनाव लड़ रही लोक जनशक्ति पार्टी ने नीतीश कुमार को वोट न देने की अपील की है। पार्टी नेता चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। ये सिस्टम दशकों से वैसा का वैसा ही है। वहीं आज पटना में VIP पार्टी का NDA से गठबंधन की घोषणा हो सकती है। इससे पहले कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिहार चुनाव पर चर्चा की, जिसके बाद कांग्रेस ने अपने 25 उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर लिया है। आज इसकी घोषणा हो सकती है। कांग्रेस बिहार में महागठबंधन के साथ है और 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं लालू यादव की पार्टी RJD ने शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी को शाहपुर से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों को संबोधित करेंगे।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों को संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक गीता जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी को रक्षा सूत्र बांधा जाएगा और उन्हें तिलक लगाया जाएगा। यहीं पर राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली का भी समापन होगा। इससे पहले राहुल गांधी हरियाणा के पेहवा में भी किसानों को संबोधित करेंगे। हालांकि हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा में किसी तरह के जुलूस को इजाजत नहीं मिलेगी। जुलूस लेकर आएंगे जैसा कि कहा जा रहा है तो बिल्कुल नहीं आने देंगे। कल पंजाब में राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली का दूसरा दिन था। केंद्र सरकार के किसान बिल के विरोध में राहुल ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं। संगरूर में जब राहुल गांधी लोगों को संबोधित कर रहे थे उसी दौरान राहुल गांधी के खिलाफ नारे लग रहे थे। स्कॉलरशिप घोटाले में आरोपी मंत्री को क्लीन चिट देने पर बीएसपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को गो बैक के नारे लगाए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली की फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि ट्रैक्टर पर लगे गद्देदार सोफे पर बैठकर प्रदर्शन नहीं किया जाता है। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सीआरपीएफ काफिले पर हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्करे तैयबा का हाथ बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सीआरपीएफ काफिले पर हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्करे तैयबा का हाथ बताया जा रहा है। कश्मीर रेंज के आईजी विजय कुमार ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आतंकी बाइक पर सवार थे और उनके पास AK-47 राइफल थी। ये वही एलईटी का टेररिस्ट है और जो पाकिस्तान से का है, एक का नाम सैफुल्ला है, एक लोकल टेररिस्ट है और ये इससे पहले चरोरा में अटैक किया था सीआरपीएफ पर और कुछ दिन पहले नौगांव सेक्टर में दूर से फायर किया था। इसका ये तीसरा इंसिडेंट है, हम लोग इसको जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कर दिया। इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए जबकि 3 जवान घायल हुए हैं। शहीद जवानों में कांस्टेबल धीरेन्द्र त्रिपाठी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे जबकि दूसरे शहीद जवान शैलेंद्र प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद शैलेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर सड़क का नाम रखने का ऐलान किया है। शिक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर के बाद से देश भर के स्कूल खोलने के लिए गाइडलाइन जारी की है। शिक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर के बाद से देश भर के स्कूल खोलने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। हालांकि इसके लिए राज्यों और स्कूलों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना होगा। एसओपी में कोविड से जुड़ी सावधानियों के बारे में बताया गया था। अब शिक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक ऑनलाइन लर्निंग को प्राथमिकता और बढ़ावा दिया जाएगा। अगर छात्र ऑनलाइन क्लास चाहें तो उन्हें इजाजत दी जाए। अभिभावक की लिखित अनुमति से स्कूल या कोचिंग आ सकते हैं बच्चे। बच्चों पर क्लास में अटेंडेंस का कोई दबाव न डाला जाए। शिक्षा विभाग की एसओपी के आधार पर राज्य अपनी एसओपी तैयार करेंगे। स्कूल अनिवार्य रूप से राज्य के शिक्षा विभागों की एसओपीज का पालन करेंगे। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये निर्देश नॉन कंटेनमेंट जोन वाले स्कूलों के लिए ही है। चरणबद्ध तरीके से वो स्कूल खोल सकते हैं। एसओपी जारी हुआ है, उसका भी पालन करना होगा। और देश में कोरोना के मामले 66 लाख के पार पहुंच गए हैं। एक मिनट में कोरोना का अपडेट समझिए। देश में कोरोना के मामले 66 लाख के पार पहुंच गए। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भारत सबसे आगे है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 74,442 नए केस आए। 903 लोगों की मौत हुई जबकि पिछले 24 घंटे में 76,737 लोग इलाज से ठीक भी हुए। देश में कोरोना वायरस से अब तक 66,23,816 लोग संक्रमित हुए हैं जिनमें 55,86,704 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। देश में इस वक्त 9,34,427 कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,02,685 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि इलाज से ठीक होने वालों की दर 84.34% पहुंच गई है। वहीं दुनिया की बात करें तो 3,52,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं और 10,37,000 से ज्यादा लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं जबकि 2,45,00,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार के 14 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी के बाद विरोध प्रदर्शन भी किया गया।
कर्नाटक कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के 14 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी के विरोध में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस का कहना है कि सीबीआई की कार्रवाई बदले की भावना से की गई है। दरअसल कर्नाटक में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और कांग्रेस इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देख रही है। हालांकि शिवकुमार के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 50 लाख रुपए कैश मिल चुके हैं। शिवकुमार पर आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। सीबीआई की कार्रवाई सुबह 6 बजे से ही शुरू हो गई। ये छापे कर्नाटक में 9, दिल्ली में 4 और मुंबई के एक ठिकाने पर मारे गए हैं। शिवकुमार के भाई और बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा से सांसद डीके सुरेश के घर पर भी छापेमारी हुई है। कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख शिवकुमार को पिछले साल सितंबर में प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ आयकर विभाग द्वारा दायर चार्जशीट के आधार पर गिरफ्तार किया था। उन पर दूसरों की मदद से हवाला चैनलों के जरिए बेहिसाब धनराशि के लेन देन का आरोप है। सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जाँच सीबीआई को सौंप दी थी, जिसके बाद ताजा कार्रवाई हुई। अयोध्या में इस बार नवरात्र में पहली बार वर्चुअल रामलीला का आयोजन किया जाएगा। अयोध्या में इस वर्ष नवरात्रि में पहली बार वर्चुअल रामलीला का आयोजन किया जाएगा। 17 अक्टूबर से होने वाले इस आयोजन के लिए आज सुबह 11:30 बजे भूमि पूजन किया जाएगा। इस भूमि पूजन समारोह में बिंदु दारा सिंह, सांसद प्रवेश वर्मा सहित कई बीजेपी नेता शामिल होंगे। वर्चुअल रामलीला का प्रसारण सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाएगा। इस रामलीला में बॉलीवुड के कई नामचीन कलाकार भूमिका निभाएंगे। आयोजन अयोध्या के लक्ष्मण किला ग्राउंड में होगा। श्री राम मंदिर बनने की खुशी में रामलीला समिति बहुत ही उत्साहित होकर रामलीला आयोजन की तैयारी कर रही है। माँ फाउंडेशन अयोध्या रामलीला कमेटी की तैयारी जोरों पर है। यूपी की योगी सरकार अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम को पहले ही भव्य बना चुकी है। अयोध्या नगर निगम ने इस बार योगी सरकार से पिछले वर्षों के मुकाबले 2 गुना बजट मांगा है। अयोध्या प्रशासन इस बार दिवाली के अवसर पर रामकथा पार्क से चरण सिंह घाट तक दीप जलाने की तैयारी कर रहा है। और विजय माल्या को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, एक मिनट में पूरी खबर देखिए। केंद्र सरकार ने कहा है कि भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी इसे लेकर समय सीमा बताना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के मामले पर सुनवाई हुई। इस पर विदेश मंत्रालय ने अदालत को बताया कि भगोड़े कारोबारी के प्रत्यर्पण का आदेश ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत ने दिया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ है। केंद्र का कहना है कि उसे ब्रिटेन में चल रही गुप्त कार्यवाही की जानकारी नहीं है, जिसके कारण माल्या के प्रत्यर्पण में देरी हो रही है। कोर्ट ने साफ जवाब न देने के लिए भगोड़े कारोबारी के वकील को फटकार लगाई और सुनवाई 2 नवंबर के लिए टाल दी गई। उच्चतम न्यायालय ने भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या के वकीलों से कहा है कि वो 2 नवंबर तक बताएं कि माल्या कब तक अदालत के समक्ष पेश हो सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने माल्या के वकील से कोर्ट की अवमानना से जुड़े मामले में पूछा था कि माल्या इस मामले में कब पेश हो सकते हैं।